Now students, I think meristematic tissue is clear to you all. That what is meristematic tissue? Now, on the basis of position in the plant body, plant may position ke basis pe, we have three type of meristematic tissue. How many type of meristematic tissue is there on the basis of location? That is three type. First is apical meristem. Second is intercalary meristem. एंड थर्ड वन इज लेट्रल मैरिस्टम ठीक है सो एपिकल वर्ड से क्या समझ आ रहा है टॉप पोजिशन पे है ना इंटर कैलरी कहीं मीडियम पोजिशन पे लेट्रल कहीं साइड्स में होगा यस और नो एपिकल मीन्स इन टॉप सो एपीकल मैरिस्टम इज दैट मैरिस्टमैटिक टिश्यू मैरिस्टमैटिक सेल विच इज प्रेजेंट इन द रूट टेप और इन द शूट टिप जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं रूट के टिप में बिल्कुल टिप पोजीशन पे ठीक है अगर आप कभी प्लांट को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हो ठीक है और उसे कहीं दूसरी जगह प्लांट करने की कोशिश करोगे तो उसका बिल्कुल रूट टिप उसके साथ होना चाहिए अदरवाइज प्लांट विल नॉट सर्वाइव एट ऑल क्लियर सो एपिकल मेरिस्टिम अक्कर एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम रूट कि स्टेम और रूट के बिल्कुल ग्रोइंग टिप पे है ना सिंपली यू कैन से दैट द एपिकल मेरिस्टम इज दैट मेरिस्टिप विच इज प्रेजेंट मेरिस्टमेटिक सेल विच इज प्रेजेंट इन द रूट टिप एंड द शूट टिप स्टेम के टिप में और रूट के टिप में प्रेजेंट होता है सो इट इज कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टिम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम भी इसे कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है जब टिप टिप में प्रेजेंट है तो क्या फंक्शन है इसका इट हेल्प्स एंड प्रोड्यूस लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेप ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्चुअल में अगर आप शूट का भी अगर टिप जब पौधा बिल्कुल छोटा है ना उसका टिप भी अगर रिमूव करोगे तब भी वो पौधा नहीं ग्रो करेगा क्यों क्योंकि वहां पे एपिकल मेरिस्टेम है जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लियर नाउ इंटर कैलरी मेरिस्टम अभी ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर है पौधे में ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं दिस मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड या तो नोड के बेस में प्रेजेंट होगा ठीक है किसी किसी प्लांट में किसी किसी प्लांट में ये कहां होते हैं? एट द बेस ऑफ इंटरनोड इंटरनोड के बेस में प्रेजेंट होंगे या किसी में जस्ट अब द इंटरनोड इंटरनोड के अब में भी प्रेजेंट होते हैं क्लियर ठीक है Clear? तो ये क्या काम करते हैं इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ़ लीव्स एंड इंटर नोड नोड की ग्रोथ करते हैं और लीव्स वगैरह की ग्रोथ करने का इनका काम रहता है ठीक है अब यहाँ पर बात आती है मैंने आपको ये तो बोल दिया कि ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है ये या तो नोड़ के पास प्रेजेंट होगा नोड के बेस में प्रेजेंट होगा ठीक है बेस ऑफ लीफ में या बेस ऑफ नोड पे या बिलो तो इन नोड्स पे प्रेजेंट होगा अब ये नोड इंटर नोड है क्या कि एक प्लांट में नोड इंटरनोड क्या है पता है किसी को ठीक है नाउ आई विल टेल यू फॉर एग्जाम्पल आपने बैम्बू क्लम देखे हैं देखे ही होंगे या कोई स्टिक नॉर्मली पेड़ की अगर हम बात करेंगे जैसे एक पेड़ है मान लो ठीक है जैसे बेम्बू क्लम है होता है कुछ ऐसा है ना या फिर बैम्बू बैम्बू स्टिक ही नहीं नॉर्मली चाहे हमारा ज़िया मेज़ है ज़िया मेज़ मीन्स ये मेज़ प्लांट है ठीक है ठीक है चाहे गेहूं का पौधा है चाहे हमारा मेज़ का पौधा है मेज़ तो देखा ही है सबने मक्की का पेड़ तो देखा ही है सबने ठीक है पौधा कैसा होता है ऐसा है लंबा कहीं उसमें एक बीच में ऐसी गांठ जैसी होती है डाक फिर थोड़ा गैप होता है फिर एक डाक गांठ होती है कि ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है तो ये जो क्लियरली डिस्टिंक्ट ये गांठ जैसी क्लियरली डिस्टिंक्ट यहां पे ज्वाइनिंग जैसी दिखती है ना दिखते हैं ना ज्वाइनिंग जिनमें ज्वाइन होता है स्टेम ज्वाइंट होते हैं तो इस पोर्शन को जहां पे ज्वाइन होता है ना यहां से ही एक लीफ निकलता है इनमें स्पेशली यहीं से एक लीफ ऑरिजिनेट करेगा इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड फ्रॉम वेयर लीफ ऑरिजिनेट ये पॉइंट क्या है नोड ये क्या है नोड इसको हम क्या कहेंगे नोड इसको हम क्या कहेंगे नोड और दो नोड़ के बीच का जो ये गैप है बच्चों दो नोड़ के बीच का ये जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे इंटर नोड समझ आया ओके सो लीफ इज दैट पोर्शन इन अ स्टेम फ्रॉम वेयर लीफ ऑरिजिनेट जहां से लीफ ऑरिजिनेट करता है और दो नोड़ के बीच का जितना गैप होता है उसको क्या कहते हैं इंटर नोड़ कहते हैं होता है ना पौधों में अब अब आपने ऑब्जर्व करना है ज़रा अपने आसपास में देखने हैं पौधों को ठीक है आजकल बहुत आजकल वैसे भी हर एक प्लांट में फिर से आपके लीफ जो है वापस आ गए हैं है ना अब ध्यान से देखना है कि पौधे में क्या हर जगह लीफ है पूरे साथ साथ में कि वो ऐसी जगह पे है फिर थोड़ा गैप है फिर फिर लीफ है फिर थोड़ा गैप है ध्यान से देखना है इस चीज़ को

स्टेम और रूट दोनों के साइड्स में तो ये प्रेजेंट है बट कहाँ पे? इन बिटवीन जयलेमेंट फ्लोएम जयलमन फ्लोएम आर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और इन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है ना स्टार्टिंग में में भी होते हैं ये लिटल मेरिस्टेम, स्टेम बट जब प्लांट धीरे धीरे और ग्रो करता है दस साल का हो जाता है उससे ज़्यादा जब उसमें स्कैंड ग्रोथ हो जाती है स्कैंड ग्रोथ मतलब जब प्लांट बार्क बनाना शुरू करता है ठीक है तो उसमें तो वो लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो so, लेटरल मेरिस्टेम अक्कर इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोइम जाइलम और फ्लोइम के बीच में प्रेजेंट होते हैं एक कंप्लीट रिंग ये बनाते हैं जाइलम फ्लोइम के बीच में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को मोटा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या बचपन से ही प्लांट अगर पतला से ग्रो कर रहा है तो वो हमेशा वैसे ही रहता है नहीं ना जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है प्लांट मोटा होता जाता है मोटा होता जाता है होता है उसकी गर्थ में इंक्रीज हो जाता है यस और नो यस सो लेटरल मेरिस्टेम स्टेम ऑन द साइड ऑफ बोथ इन द स्टेम एंड द रूट के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इट इंक्रीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रिथ ग्रिथ इनक्रीज में ये हेल्प करते हैं दो टाइप की मेरिस्टेम मेडिस्टिशन है टू टाइप दैट इज वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम अगेन टर्मिनोलॉजी है ना तो, तो मतलब बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज आएंगी ही आएंगी यू हैव टू मेमोराइज इट आपको मेमोराइज इसको करना ही पड़ेगा ठीक है वस्कुलर कैम्बियम एंड कैम्बियम वर्स्कुलर कैम्बियम वर्स्कुलर कैम्बियम हम उसको कहते हैं जब ये हमारा जो लेटरल मेरिस्टम है जो ये डिवाइडिंग टिश्यू है कहां पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसका नाम दिया है उसको क्या बोला है वस्कुलर कैम्बियम जैसे हम जगह जगह के नाम रखे हैं ना रामपुर रामपुरचुहावागे ये ये फलाना है ना वैसे ही सेम जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है वहां पर जो मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट है जो डिवाइड होने का काम करते हैं उनको क्या कहा गया है वस्कुलर कैम्बियम और वैसे ही ठीक है वैसे ही जो प्लांट है प्लांट में एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग है उसके नीचे एक कॉर्टेक्स जगह का नाम है वो भी ठीक है उस कॉटेक्स के पास जो डिवाइडिंग सेल बनते हैं ये स्टार्टिंग में नहीं होते हैं बच्चों ये बाद में बनते हैं जब प्लांट ग्रो करता है और वहाँ पर जो डिवाइडिंग सेल्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं कॉर्क कैम्बियम कहते हैं समझ आ गया तो ये दोनों के दोनों टिश्यू दोनों के दोनों टिश्यू ये कॉर्क बनाने का काम करता है कॉर्क कैम्बियम ये वुड बनाने का काम करता है ठीक है जाइलम ही हमारा एक्चुअल में वुड बनाता है जो वुड जलाने के लिए यूज़ कर रहे वो जाइलम है सेकेंडरी जाइलम है ठीक है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम योर तो ये दोनों ही मिलजुल के क्या काम कर रहे हैं इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट तो ये स्टेम और रूट की गर्थ को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं उसको मोटा बनाने का काम कर रहे हैं समझ आ गया सबको तो कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट लोकेशन ऑफ द मैरिस्टमैटिक टिश्यू लोकेशन ऑफ द मैरिस्टमैटिक सेल्स We have three type of meristematic cells and tissue present in the plant. That is apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Apical meristem is present in the root and the shoot tip, responsible for increase in the growth of the length of the plant. Clear? Intercalary meristem is present just above the node, just above the internode, below the node, a base of the internode, and responsible for growth of the internode and the leaf. क्लियर नाउ lateral meristem दिस lateral meristem इज वेरी important एंड responsible फॉर द secondary ग्रोथ इन द प्लांट responsible फॉर इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट उसके डायमीटर को इंक्रीज करने का काम कर रहा है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वहां पर भी प्रेजेंट है और साथ में कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं जब ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं कॉर्क कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट है तो वस्कुलर कैम्बियम इनको हम कहते हैं क्लियर तो सिंपली इट अकर इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड द रूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट बस क्लियर टू यू ऑल नाउ फंक्शन ऑफ मैरिस्टमेटिक टिश्यू जब हमने इतना सब कुछ अगर हमने अब डिस्कस कर लिया है इतना सब कुछ अगर आपको बच्चों क्लियर है तो फंक्शन यू कैन राइट आप अपने ऐसे भी फंक्शन लिख सकते हो वेरी सिंपल क्या करेगा डिवाइडिंग टिश्यू है ग्रोथ का, का काम कर रहा है प्लांट को कोई इंजरी आएगी हीलिंग का काम करेगा है ना अब तो बस जब ये चीज़ आपको समझ आ गई यू कैन राइट द फंक्शंस एज वेल सो मेरे फर्स्ट फंक्शन इज मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इज द परमानेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डवेल्प ये एक ऐसा टिश्यू है ठीक है इट इज़ पेरेंट टिश्यू कैसा टिश्यू है ये पेरेंट टिश्यू है जिससे हमारे पास क्या होगा अदर टिश्यू की डेवलपमेंट होती है ये तो सिंपल है क्योंकि इसी से ही दूसरी टिश्यू बनेंगे ठीक है एंड इट टेक पार्ट इन द ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स किसका काम करते हैं ये इट टेक पार्ट इन द ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स क्लियर एंड इन प्लेस ऑफ इंजरी इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ये क्या होते हैं हील अप होते हैं सो क्लियर टू यू ऑल